everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. First of all, really sorry for my voice. I know बहुत अजीब साउंड कर रही होगी आज because मुझे 4-5 दिन पहले ही डस्ट एलर्जी हुई थी, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा सिवियर थ्रोट पेन हो गया था एंड मेरी आवाज़ लिटरली डेड हो गई थी. अब फाइनली मेरी आवाज़ निकली है. मैंने रेस्ट भी किया बट ठीक है नहीं हो रही है और मुझे इतना सॉलिड फोम हो रहा था ना, कितने दिन हो गए मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं गई. सो मैं फाइनली परेशान होकर बैठ गई कि आज जैसी भी हो मैं आज फिल्म करने वाली हूँ. तो प्लीज़ आज के लिए मेरी आवाज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर करना एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मेरी आवाज़ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ. तो रिसेंटली मैंने मीशो का वेस्टर्न टॉप्स का हॉल बनाया था, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया था और उसी में रिक्वेस्ट आई थी कि ऐसा ही एक वेस्टर्न ड्रेसेस का हॉल भी बनाओ जिसके अंदर मैं सारी वायरल वेस्टर्न ड्रेसेस को एक्सप्लोर करूँ. सो मैं गई मीशो पर, मैंने सारी जितनी भी ट्रेंडी वायरल जो सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग वेस्टर्न ड्रेसेज है ना, लेकिन अंडर 599 हमारा चैलेंज है, हम सब कुछ अफोर्डेबल ढूंढने वाले हैं. सो मैंने काफ़ी सारी वायरल ड्रेसेज ढूंढ निकाली और अब मैं आपको फाइनली बताऊँगी क्या ये वर्थ है लेनी या फिर नहीं है, ये क्या सुंदर दिखती हैं या फिर पहनने भी कंफर्टेबल है, या जो भी मेरा रिव्यू है मैं पूरा आपको अच्छे से बताने वाली हूँ. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल. गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल. आज तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लिटरली मेरी आवाज़ मरी हुई है, मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ. सो योर वन सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्टिंग विद द मोस्ट वायरल मीशो ड्रेस. अगर आप मीशो की वेस्टर्न कैटेगरी में जाओगे ना, आपको इतने सारे सेलर दिखेंगे ये वाली ड्रेस सेल करते हुए. आपने काफ़ी लड़कियों को इंस्टाग्राम पर पहनते हुए देखा होगा, मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपनी बैचलरेट पार्टीज़ में, जो मैरिज से पहले पार्टीज़ होती है, उसमें पहनते हुए देखा है बिकॉज ये काफ़ी शिमरी पार्टी सॉर्ट ऑफ एक इफेक्ट दे रही है. सो मैंने भी सोचा मंगवा कर देखती हूँ क्या है इसकी हाइप बेसिकली. सो ये है वेलवेट मटेरियल की बॉडी कॉन शिमर ड्रेस और इसके ऊपर सारा ऐसे सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है. मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ जो मटेरियल है वो कैसा दिखता है. वेलवेटी सॉर्ट ऑफ मटेरियल है. आई होप माई कैमरा कैन फोकस. आप देख सकते हो ऐसे लाइन लाइन वेलवेट की जा रही है, उसके ऊपर ये सीक्वेंस को स्टिच कर रखा है. एक एक सीक्वेंस जो है वो धागे से स्टिच्ड है. सो वो स्टिक नहीं है विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज ऐसे ना झड़ते नहीं है. जो ड्रेसेस के ऊपर सीक्वेंस चिपकाई होती है ना वो जल्दी झड़ जाती है, इसमें वाला चांस नहीं होगा. इसके अंदर आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिलेंगे जो अलग अलग सेलर देते हैं. एक नूडल स्ट्रैप था, ऑफ शोल्डर था, ऐसे वाला शोल्डर था, बट मैंने स्पेसिफिकली ये वाली स्लीव्स क्यों ली बिकॉज मुझे पता है जो सीक्वेंस ड्रेस होती है ना ये चुभती है. लाइक अगर आप चलोगे आपका हाथ यहाँ से रब होगा, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को छील सकता है और इसके साथ भी ऐसा हो सकता था अगर मैं वो वाला डिज़ाइन लेती. इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये वाली स्लीव्स खरीदी थी ताकि मेरी स्किन ना इससे छिले. बट ओवरऑल ठीक ठाक है, हल्की सी अनकम्फर्टेबल है बिकॉज ये जो सीक्वेंस नेकलाइन के पास जा रही है ना ये यहाँ पे हल्का हल्का आपको इचिंग इचिंग वाला इफेक्ट देती है. लाइक चुभती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं बोलूँगी. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. द मेजर कॉन ऑफ दिस ड्रेस इज ये आपको हल्का सा हेल्दी दिखा सकती है. मतलब मेरी लाइफ की पहली ब्लैक कलर की ड्रेस होगी जिसमें मैं हेल्दी लग रही हूँ बिकॉज इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा मोटा है. इन्होंने अंदर यहाँ पे लाइनिंग दी हुई है, सेपरेट लाइनिंग है. ये जो बाहर वेलवेट का मटेरियल है ये काफ़ी थिक है. सो उसको अगर पहनो ना काफ़ी मतलब हेल्दी हेल्दी चबी चबी सी लुक आ रही है. मैं मेरी जो बॉडी है पतली है, पेटीट है, स्टिल मैं इसको पहन के हल्के हल्के चबी सॉर्ट ऑफ फील कर रही हूँ. सो अगर आपका हल्का सा वेट ओवर होगा तो आप देख लेना. अगर आप कॉन्शियस हो तो आपको मैं पहले कॉन प्रो सब कुछ बता रही हूँ. मुझे काफ़ी बार ना कमेंट्स आते हैं कि आप हर चीज़ की बुराई भी कर देते हो, तारीफ भी कर देते हो. देखो मुझे हर एक प्रोडक्ट का ना कॉन बताना भी ज़रूरी है ताकि कल को आप ये ना बोलो कि दीदी आपने तो ये चीज़ बताई नहीं. सो इसलिए मैं आपको हर एक प्रोडक्ट का प्रो एंड कॉन दोनों बताती हूँ. सो येस ये काफ़ी प्रिटी है लेकिन आपको हल्का सा बॉडी वेट वाइज थोड़ा सा बल्कि फील करा सकती है. बट ओवरऑल नॉट अ बैड डील. मतलब अगर मेरे कोई 2 लाख सब्सक्राइबर कभी हो जाएंगे, कभी कुछ मुझे पार्टी सॉर्ट ऑफ लाइक इंस्टाग्राम वर्दी ड्रेस. अगर आपको फोटोज लेनी हो ना इसमें काफ़ी अच्छी फोटोज आने वाली है बिकॉज द शाइन इज जस्ट ऑसम. बाय द वे इसमें मैंने साइज लिया है एस और अगर आपकी मेरे जैसी बॉडी टाइप है तो एस साइज एकदम आपको परफेक्ट आने वाला है. 543 रुपीज़ की मुझे ड्रेस पड़ी है एंड आई कैन डेफिनेटली से इट्स काइंड ऑफ वर्थ इट. कमिंग टू अनदर वायरल ड्रेस इन द सेम वेलवेट कैटेगरी, वो है ये बॉडीकॉन ड्रेस इन मरून कलर. इसको मैं कह सकती हूँ प्रॉपर वाला वेलवेट मटेरियल. पहले वाली ड्रेस का मुझे प्रॉपर वेलवेट ही फील नहीं आ रही थी भाई, ये मैं कह सकती हूँ प्रॉपर वेलवेट है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल कलर बहुत प्रिटी है, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है मेरी स्किन टोन के ऊपर. एंड द नेक लाइन इज सो प्रिटी. इसका ऐसे ड्रॉप शोल्डर सॉर्ट ऑफ एक नेक लाइन है एंड इट इज़ जस्ट परफेक्ट. मतलब मेरी लाइफ की पहला ये ड्रॉप शोल्डर ड्रेस होगी जो ना अननेसेसरी ऊपर हो रही है ना ज़्यादा नीचे गिर रही है. स्ट्रैप लेंथ एकदम परफेक्ट है. स्ट्रैप आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसी आई है वैसी ही है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट आ रही है मेरी नेकलाइन के हिसाब से. ज़्यादा डीप नहीं है, ज़्यादा ऊपर नहीं है. वेरी वेरी कंफर्टेबल बॉडी कॉन है लेकिन स्टिल इसको पहन के मुझे एक अच्छा कंफर्ट वाली फील आ रही है. दैट इज़ वाई आई रियली लाइक इट. अगर आपकी कोई कॉर्पोरेट पार्टी हो ना, लाइक ऑफिस है लेकिन कोई पार्टी सॉर्ट ऑफ है तो डेफिनेटली आप ये पहन सकते हो बिकॉज काफ़ी ग्रेसफुल ये लुक दे रही है. मुझे पड़ी है 408 रुपीज़ की. इसमें मैंने साइज़ लिया है एस. अगेन परफेक्ट ऑन मी, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है. मटेरियल इज़ जस्ट परफेक्ट. इट, इट्स नॉट एट ऑल दैट ट्रांसपेरेंट. सो आप इजीली इसको डायरेक्ट पहन सकते हो, अंदर आपको कुछ एज सच लॉन्ड्री के अलावा कुछ पहनने की जरूरत नहीं है बिकॉज ट्रांसपेरेंट ये बिल्कुल भी नहीं है. रियली लाइक इट. बाकी वॉश करके पता चलेगा बिकॉज कुछ कुछ वेलवेट में ना अगर हैंड वॉश या फिर घर पे नॉर्मल वैसी वॉश करो ना तो ख़राब होने का चांस होता है. बट आई वुड रिकमेंड कि ऐसी वेलवेट की जो ड्रेसेस होती है ना ईजी जो आता है उससे वॉश किया करो ताकि ज़्यादा ख़राब ना हो. बट ओवरऑल आई लाइक इट. इट इज़ द मोस्ट ग्रेसफुल बॉडीकॉन ड्रेस फ्रॉम द एंटायर हॉल. नाउ कमिंग टू मैक्सी ड्रेस कैटेगरी. मीशो पर आपको बहुत सारी लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस मिलेंगी लेकिन उसमें से सबसे सेक्सी और वायरल भी आप कह सकते हो वो है ये वाली मैक्सी ड्रेस. पूरा एक फुल लेंथ गाउन आप इसको बोल सकते हो. थाई आई पे इस पर स्लिट आता है, बहुत प्यारा. ऊपर वी नेक है, मतलब बिल्कुल ये आईफा अवॉर्ड्स के जो रेड कार्पेट सॉर्ट ऑफ एक ड्रेस होती है ना बिल्कुल वैसी लग रही है. मैंने जब इसको पहना ना मुझे वो बचना है सीनों में सॉन्ग नहीं था खुदा जाने के जिसमें दीपिका पादुकोण ने काफ़ी प्रिटी गाउन्स पहने थे. मेरे को बिल्कुल वैसी बाई आई एम सॉरी मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है गाने के लिए तो मैं गा नहीं रही. बट ओवरऑल आई लाइक इट. सेलर इसमें बाय द वे बहुत सारे कलर्स दे रहे थे, वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स अवेलेबल है लेकिन मैंने पिकअप किया ये वाला रेड कलर बिकॉज इस गाउन की जो लुक है ना काफ़ी सेक्सी सॉर्ट ऑफ लुक आती है और रेड कलर से वो लुक काफ़ी इन्हांस हो जाती है. सो मुझे ये बहुत प्रिटी लगा मेरे स्किन टोन के ऊपर. इसका जो फ्रंट में नेकलाइन है कुछ इस तरह से है, लाइक ऐसे फॉल भी हो जाता है. सो आपको कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कराना पड़ेगा अगर हल्का सा और श्योर होना चाहते हो ना, जो मैं पर्सनली करती हूँ. मैं ऐसी ड्रेसेस के अंदर हुक आई लगवा लेती हूँ. हुक आई आती है, आप गूगल कर सकते हो, आपकी मदर भी इजीली स्टिच कर सकती है, कोई टेलर भी लगा सकता है. उससे क्या होगा, आप यहाँ पे इसको ऐसे टक कर दोगे ना तो एटलीस्ट आपकी नेकलाइन थोड़ी सी सेफ रहेगी, ऐसे गिरेगी नहीं आगे बेंड होते हुए. बट अदरवाइज इसके स्ट्रैप पे ना यहाँ पे एडजस्टेबल स्ट्रैप है इसकी विच इज़ अ गुड थिंग. तो ईजिली मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, डीप करना है या ऊपर करना मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ विच इज़ नाइस. थाई पे इसके बहुत अच्छा एक स्लिट जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं है ज़्यादा नीचे भी नहीं है, मतलब कंफर्ट लेंथ के हिसाब से इसका एक स्लिट जाता है पूरी नीचे तक. ये लॉन्ग मैक्सी ड्रेस है, ग्राउंड से पूरी लंबी जाती है. अगर आप बहुत ज़्यादा टॉल हो तो आप पे हल्की सी उठ के आ सकती है. मैं 5'1" के अराउंड हूँ तो मेरे तो ये प्रॉपर ग्राउंड को टच कर रहा है. बाय द वे मैंने सेम ड्रेस मिंत्रा आजियो पर भी काफ़ी बार देखी हुई है लेकिन वो हायर प्राइस पे थी. ये मुझे पड़ी है मीशो से 404 रुपीज़ की. एंड फॉर 404 आई कैन से इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. मटेरियल इसका क्रेप है सो वो हल्का सा पॉलिएस्टर वाली फील देता है विच इज़ फाइन बिकॉज ऐसी ड्रेसेज में क्रेप मटेरियल की काफ़ी अच्छी फॉल वाली लुक देता है. सो ओवरऑल दिस इज अगेन अ ये फ्रॉम माई साइड. अब हमने सारी पार्टी वेयर रात को पहनने वाली सेक्सी सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस तो एक्सप्लोर कर ली लेकिन मेरा काफ़ी मन था थोड़ा डे लुक के लिए भी अच्छी सी ड्रेस एक्सप्लोर करने का. और मीशो के ऊपर मैंने ये वाली ड्रेस देखी और ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ना वायरल है बिकॉज आजकल जो के ड्रामा का पूरा सेंसेशन चल रहा है ना, मैंने काफ़ी सारी के ड्रामा में जो हीरोइंस हैं मैंने उनको यही पहनते हुए देखा, ऐसी सिमिलर ड्रेसेस. सो आप इसको कोरियन ड्रेस सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो. सो वो है ये स्काई ब्लू कलर की ऑलमोस्ट नी लेंथ, मेरे को तो नी लेंथ से भी लंबी आ रही है बिकॉज शॉर्ट हाइट, लेकिन अगर आप टॉल हो तो आपको ये नी से ऊपर आ सकती है. बहुत प्यारी है, इसका नेकलाइन मुझे काफ़ी प्रिटी लगा, वी नेक का बहुत सुंदर नेकलाइन है. स्लीव्स पर भी यहाँ पे बटन का एक डिज़ाइन दिया हुआ है और पूरी नीचे तक ना बटन जाते हैं तो आप इसको खोल भी सकते हो. अगर आप इसको खोलकर कुछ स्टाइल करना चाहते हो तो आप स्टाइल भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही पहन सकते हो. इसके साथ आपको मिलती है ये बेल्ट, तो आप इजीली अपने वेस्ट के अराउंड इसको टाई अप करके थोड़ी एक अच्छी सी फिटिंग दे सकते हो. ओवरऑल आई लाइक इट. अगर आपको दिन में कहीं जाना है, डेट पर जाना है, ब्रंच पर जाना है, किसी के साथ मॉल जाना है, कुछ कंफर्टेबल आप पहनना चाहते हो ना, रेयॉन मटेरियल है तो काफ़ी कंफर्टेबल भी रहती है. सो डेफिनेटली उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है. इसमें मैंने साइज़ पिकअप किया है एस और ये मुझे पड़ी है 575 रुपीज़ की. सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से लुक वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अगेन वर्थ बाइंग. नाउ कमिंग टू बोहो कैटेगरी बिकॉज आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है बोहो फैशन, जो एथनिक सॉर्ट ऑफ प्रिंट्स होते हैं ना. सो मैंने ड्रेसेस की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ढूंढा, फुल लेंथ की भी थी, कुर्तिया सॉर्ट ऑफ ड्रेस भी थी, मुझे इतना मज़ा नहीं आया. मैं वायरल के चक्कर में ऐसी कुछ भी नहीं लूँगी. सो फाइनली मुझे ये ड्रेस दिखी. मैं इसको इतना वायरल नहीं बोलूँगी मीशो के ऊपर लेकिन ये काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ थे और मुझे अपने ऊपर ये काफ़ी सुंदर लगी. इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैंने वायरल वाली पिकअप नहीं करी, हल्का सा एडजस्ट किया लेकिन मुझे एटलीस्ट चीज़ अच्छी लगी है. सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत प्यारी से फ्रंट में वी नेक है, स्ट्रैप भी इसका चौड़ा है, मतलब पतला नूडल स्ट्रैप नहीं है और पूरी ये नीचे तक जाती है. नी लेंथ की ड्रेस है, नी को भी अच्छे से कवर करती है. यहाँ पे पूरा बटन्स का काम दिया हुआ है और ये बटन अगेन खुल सकते हैं. सो अगर आप इसको एज अ केप भी डालना चाहते हो या फिर जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हो आप ईजिली कर सकते हो. फिटिंग इसकी इतनी सुंदर आई है. बाय द वे सबसे सस्ती ड्रेस है इस पूरे हॉल में से, 329 रुपीज़ की मुझे ड्रेस पड़ी है. स्मॉल मैंने इसमें साइज पिक किया है एंड द मेजर रीज़न वाई इसकी फिट ऊपर से बहुत अच्छी है. इसमें पीछे जो है ना ये इलास्टिक सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो ऐसा कुछ दिया हुआ है. सो ये जो पूरा ब्रॉड इलास्टिक है ना ये बहुत प्यारी फिटिंग देता है चेस्ट एरिया से. आई लव्ड इट. मैं इसको एज अ ड्रेस भी पहन सकती हूँ. इसके नीचे अगर आप ब्लैक कलर की कोई पजामी पहन लोगे तो ये कुर्ती बन जाएगी. इसमें सेलर 2 या 3 कलर्स और दे रहे थे, शायद मस्टर्ड भी कलर था, लेकिन मैंने जब नीचे इमेजेस देखी ना मुझे व्हाइट कलर सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल और प्रिटी लगा एंड आई वॉज राइट. बहुत सुंदर लग रहा है और आज के हॉल में मैंने कुछ वाइट पिकअप भी नहीं किया तो मैंने वैरायटी के लिए भी कलर पिकअप कर लिया. इसका बाय द वे मटेरियल है कॉटन मटेरियल है, काफ़ी अच्छी है, ब्रीदेबल है. अगर आप कॉटन मटेरियल में कुछ बहुत सॉर्ट ऑफ ड्रेस देख रहे हो देन डेफिनेटली दिस इज योर आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट ड्रेस, और इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज ये मेरी लीस्ट फेवरेट आप कह सकते हो, बिकॉज मुझे अपने ऊपर इतनी अच्छी नहीं लगी। लाइक ये पर्टिकुलर ड्रेस मुझे अपने बॉय टाइप पे इतनी सूटेबल नहीं लगी। लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा लंबे हो, थोड़े से हेल्दी हो, या आपका जो पेटीट सॉर्ट ऑफ बॉडी है लेकिन लंबी बहुत है, तो आई थिंक आपके ऊपर ज़्यादा बेटर लगने वाली है। बिकॉज जो लेंथ मॉडल पर दिखाई थी ना, वो लेंथ मेरे ऊपर नहीं आ रही है, तो मुझे बिल्कुल ही नीचे तक आ रही है और ग्रेसफुल नहीं लग रही है। सो ये सॉलिड ब्राउन कलर की ड्रेस है, इसका मटेरियल है लाइक्रा बाय द वे। ये मुझे पड़ी है 397 रुपीज़ की, सेकेंड अफोर्डेबल आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर हॉल में से। स्मॉल मैंने साइज पिक किया बट आई डोंट नो ये काफ़ी अजीब मुझे आ रही है। लेंथ इज द ओनली थिंग जो मुझे इशू दे रही है आई गेस, अदरवाइज ज़्यादा बॉडी हगिंग नहीं है, एकदम टाइट नहीं है, हल्की हल्की लूज है। अगर आप हल्की सी लूज लंबी ड्रेस पहनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, बट आई थिंक मेरे बॉडी टाइप के ऊपर ये इतनी ज़्यादा प्रिटी निकल कर नहीं आ रही। बट ओवरऑल इसका मटेरियल अच्छा है, पहनने में काफ़ी अच्छी है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा टॉल हो ना तो आई थिंक ये आपके ऊपर ज़्यादा बेटर ग्रेसफुल लग सकती है। एंड दैट इज इट फॉर माई वेस्टर्न ड्रेस कैटेगरी हॉल। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस अगेन, बिकॉज मुझे पता है आई थिंक मेरे जो ओजी व्यूअर्स होंगे ना उनको देखने में काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा होगा बिकॉज ऑफ माई वॉइस। बट ठीक है यार, थोड़ा सा बेयर कर लो प्लीज़, प्रे करो कि मेरी आवाज़ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, मैं और बेटर आपको अच्छे चीज़ समझा पाऊँ, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है मेरे गले पर बोलते हुए। बट आई स्टिल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता पाऊँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मुझे फ्यूचर आइडियाज़ हो कि मुझे कौन सी वेबसाइट या कोई और वेबसाइट एक्सप्लोर करनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी एक्सप्लोर करनी चाहिए। मीशो के मैंने बहुत सारे हॉल्स ऑलरेडी बना दिए, मतलब मैक्सिमम चीज़ें मैंने मीशो की क्लोथिंग कैटेगरी में से ऑलरेडी रिव्यू कर दिया। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है मीशो की, वो मैं नीचे लिंक कर दूँगी, आप वहाँ जाओगे आपको सारी मीशो के हॉल्स दिख जाएंगे। सो वो भी आप जाकर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी हो। एंड दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स, और इन सब में से आपकी सबसे कौन सी फेवरेट ड्रेस रही है वो मुझे ज़रूर बताना। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। फाइनली आई कैन जस्ट शट अप बिकॉज गला बहुत दर्द हो रहा है। बाय बाय। हाय गाइज, हम कशिका है। मेरी आवाज़ कितनी टॉर्चर लग रही है मेरी आवाज़ आज। हाय गाइज, हम कशिका। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मेरी आवाज़ यार इतनी गंदी क्यों आ रही है। हेलो एवरीवन यार। हाय गाइज, हम कशिका। अबादानी सा।